हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार फैशन। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो इसमें मैं आपके लिए स्लीव डिज़ाइन लेके आई हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह से आप जो बलून स्लीव होती हैं वो सिलवा सकते हैं, उस पर आप पॉपअप लेस को यूज़ करके। और अगर आपके पास कोई भी पर्ल्स हैं तो पर्ल्स की मदद से भी आप इस तरह से जो कट होते हैं उनका स्लीव डिज़ाइन बनवा सकते हो। ये कुर्तीज़ पे, सूट पे बहुत ही अच्छा लगता है और ईज़िली ये बन भी जाता है। जैसे आप देख रहे हो, आप सोचोगे ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन है, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन आप स्लीव पे भी बनवा सकते हो। कोई भी अट्रैक्टिव बटन आप लीजिएगा, उसको आप यूज़ करके अपना स्लीव डिज़ाइन बनवा सकते हो। इस तरह से आप लेस से भी क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना के अपने सूट को भी अट्रैक्टिव बना सकते हो और अपने स्लीव को भी आप एक अच्छा लुक दे सकते हो। जो नेक्स्ट है उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके पास टीसर्स होते हैं जो ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, अगर आप घर पर बना सकते हो तो इस तरह को इसे यूज़ करके आप अपनी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो। आपका स्लीव डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा, आप अपने सूट पर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने आपको दिखाया है, अगर आपके पास कोई भी लेस है तो उसे आप अपनी स्लीव पे यूज़ करके आपके जो सलवार का पोंचा होगा उस पर भी आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट है इसमें भी मैंने आपको लेस के साथ ही दिखाया है, अगर आपके पास कोई भी बारीक या गोटापट्टी लेस है उसे भी आप अपने सलवार पे यूज़ कर सकते हो, अपनी स्लीव पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको अट्रैक्टिव लुक मिलेगा और स्टाइलिश लुक आएगा। इस तरह से आप नेट की जो स्लीव्स होती हैं उन्हें भी ईजिली बना सकते हो। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजिली घर पर रेडी हो जाता है, अगर आप स्टिच कर सकते हो तो बहुत ही ईजिली ये डिज़ाइन यूज़ हो जाएगा और बन जाएगा। इस तरह से आप जो बेल स्लीव्स होती हैं वो भी बनवा सकते हैं। ये कुर्तीज़ पे बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप किसी भी पंजाबी सूट पे बनवाना चाहते हो तो उस पर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से जो स्लीव्स होते हैं ये भी ईजिली बन जाती हैं, आप घर पे ट्राई कर सकते हो इनको। अगर आप बिगनर हो, आप स्टिचिंग करते हो तो ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजिली डिज़ाइन बन जाता है। और इस तरह से आप जो अलग फैब्रिक होता है उसे भी आपने स्लीव पे यूज़ करके उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। कोई भी आपका बॉटम होगा उसके साथ का फैब्रिक आप स्लीव पे यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप जो कट वाली स्लीव होती है वो भी बना सकते हैं। ये टॉप पे भी अच्छे लगते हैं, जो ड्रेसेस होती हैं, जो हमारी कुर्तीज़ होती हैं उन पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप बटन की मदद से भी स्लीव डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जो आप अपने नेक पे डिज़ाइन करोगे, जो बटन लगाओगे, उसी ही बटन को आप अपने स्लीव पे भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह की जो होल्स वाली स्लीव्स होती हैं बहुत ही ट्रेंड में रहती हैं। आप देखोगे कि जहाँ भी स्लीव डिज़ाइन आपको मिले हुए ये डिज़ाइन होगा ही, क्योंकि ये सूट पे भी बन जाता है, आपके ड्रेस पे भी बन जाता है और किसी भी अगर ब्लाउज़ पे भी बनवाना हो तो उस पे भी बन जाएगा। ये डिज़ाइन अगर बनवाना है तो इस तरह की रेडी आपको लेस मिल जाएगी, वो आप यूज़ करके ये इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। ये भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, आपको सिर्फ रिबन चाहिए और जो इसकी बेल स्लीव है उसको आप पीको करवा सकते हो और बेल स्लीव पे आप ऊपर रिबन को यूज़ करके उसका एक बो बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस तरह से आप फ्लावर भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये डिज़ाइन भी आप कुर्तीज़ और सूट दोनों पे रेडी करवा सकते हो। उम्मीद करती हूँ गाइस ये डिज़ाइन आपको अच्छे लगे हो। कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक है, ऑल ओवर फैब्रिक है जिसके नीचे लाइनिंग लगती है, तो आप पूरी शर्ट के नीचे लाइनिंग लगाइएगा और जो आपका नेक होगा ऊपर से और स्लीव के उसके ऊपर आप लाइनिंग मत यूज़ कीजिएगा, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपका स्लीव डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से आप क्रिस क्रॉस डिज़ाइन भी बना सकते हो, ये भी बहुत ही ईजिली बन जाता है, बिगनर इसे ईजिली घर पर बना सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये टॉप पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आप पूरी स्लीव पर बनाओगे तो भी ये अच्छा लगेगा, लेकिन जो हाफ स्लीव होती हैं जैसे कि स्क्रीन पर इतनी स्लीव पर ज़्यादा अच्छा लगता है। और टॉप पर आप किसी भी जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उन पे भी ईजिली बना सकते हो, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसमें सारे जो डिज़ाइन मैंने ऐड किए हुए हैं वो नए और न्यू डिज़ाइन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिछली और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के जो स्लीव डिज़ाइन होते हैं जो विंटर के आपके क्लोथ्स होंगे या आपकी कोई भी कुर्तीज़ होंगे उस पर बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम बेल स्लीव भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऑफ शोल्डर कट के साथ है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें आपका जो शोल्डर होता है वो दिखता है। तो अगर आप अपने कोई भी आपका विंटर का क्लोथ है, जैसे कि विंटर आने वाला है, उसमें आप अच्छा सा डेफिनेशन देना चाहते हो अपने ड्रेस को, तो इस तरह से आप ऑफ शोल्डर कट दे सकते हो और बेल स्लीव्स आप बनवा सकते हो। इसमें आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपकी जो स्लीव है उसे भी अच्छा लुक आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्लेन सूट है, आप प्लेन सूट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि विंटर में प्लेन सूट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप उन्हें यूज़ करके इस तरह से बेल स्लीव बनवाइएगा। और कोई भी शनील जा जिसे हम वेलवेट कहते हैं वो आप यूज़ कीजिएगा, उस पर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ गाइस आज
आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइज, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिएगा।